मुंगेर को मिली 8 नई एसी बसें। और इस वीडियो अपडेट में जानेंगे मुंगेर के यात्रियों के लिए कौन से रूटों पर इन बसों का परिचालन देखने को मिलेगा। तो चलिए ऐसे में शुरू करते हैं आज का यह वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब, लगातार खबरों का अपडेट पाने के लिए और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मुंगेर जिला के सभी यात्रियों के लिए 8 नई बसों का परिचालन शुरू हो चुका है। अभी मुंगेर से पटना बिहार शरीफ शेखपुरा रूट के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 25 बसें कुल मिलाकर चलाई जा रही है। इसमें से डिलक्स और 8 एसी बसें चल रही है और अलग अलग शहरों के लिए इन बसों का परिचालन हो जाने से पैसेंजर को अब ट्रेन पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लंबी दूरी के लिए भी बस का यहाँ परिचालन यहाँ से देखने को मिलेगा। पटना के लिए 4 एसी बसों का परिचालन हो रहा है और इसके अलावे नॉन एसी बसें भी चलाई जा रही है। हाल के दिनों में पैसेंजरों की डिमांड को देखते हुए परिवहन निगम ने एसी बसों की संख्या में इजाफा किया है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह का परिचालन हो जाने से पैसेंजरों को सुविधा मिल रहा है और ऐसे में मुंगेर से कुछ नए रूटों के लिए भी बसें चलाई जा सकती है। आपको बता दें कि 2 रूट पर मंथन चल रहा है, जिसमें कि मुंगेर से रांची के बीच बस परिचालन को लेकर के 2 रूटों पर मंथन चल रहा है। पहला रूट मुंगेर से रांची के लिए लखीसराय सिकंदरा नवादा रजौली होते हुए रांची और दूसरा रूट है मुंगेर से बरियारपुर खड़गपुर जमुई सिकंदरा के रास्ते रांची जाने वाली रूट पर मंथन चल रहा है। अगर दोनों ही रूट पर अनुमति मिल जाती है तो मुंगेर को 2 जोड़ी नई बसों का तोहफा मिलेगा। अभी इस रूट पर फैसला आना बाकी है और परमिट आने के बाद इस रूट पर नई बसों का परिचालन देखने को मिलेगा। रांची के लिए 2 बसों के परिचालन की बात चल रही है और रूट निर्धारित जैसे ही होगी उसके बाद बसों का जो टाइम टेबल होगा और जो स्टॉपेज होगा वह हम आपको नए वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नई ट्रेनों के अपडेट के साथ साथ मुंगेर का वो हर बड़ी और अच्छी खबर का जानकारी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा।